ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं चेतन पाठक और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 100 से भी कम नए मामले सामने आए हैं, साथ ही संक्रमण दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से की वैक्सीन की मांग, कहा दिल्ली वालों के लिए करीब 2,03,00,000 डोजेज की है जरूरत, सरकार अखबार में विज्ञापन देने की बजाय करे वैक्सीन का इंतजाम। दिल्ली के लोकसभा सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा ने किया ट्वीट, लिखा उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गांव या कॉलोनी में सबसे पहले 100% टीकाकरण पूरा करने वाले को दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए का इनाम। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में परिवार की मौजूदगी के बीच घर की बेटी को बंधक बनाकर लुटेरों ने करीब 50,00,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया, लूट के बाद पूरा इलाका हुआ स्तब्ध। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक शख्स को किया गिरफ्तार, चैटिंग ऐप के जरिए लड़की से दोस्ती के बाद भैला फुसलाकर ले गया था बिजनौर। दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक मेडिकल स्टोर में आग लगने से हड़कंप मच गया, दुकान में सैनिटाइजर की मात्रा अधिक होने के कारण आग ने भयंकर रूप ले लिया, जिसमें दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। CBSE ने 12वीं क्लास का रिजल्ट तैयार करने के लिए रिजल्ट टेबुलेशन पोर्टल किया लॉन्च, इसमें स्कूलों को छात्रों के रिजल्ट तैयार करने में मिलेगी सहायता। आज दिल्ली शिक्षा निदेशालय सरकारी और निजी स्कूल के 9वीं और 11वीं क्लास के छात्रों के रिजल्ट करेगी घोषित, रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे छात्र। दिल्ली के शाहदरा इलाके में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चोरों ने दीवार में छेद कर चोरी किए 55,00,000 रुपए, पुलिस के मुताबिक चोरों ने तिजोरी को गैस कटर से काट कर दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली में मॉनसून के लिए लंबा हुआ इंतजार, अभी 4 से 5 दिन और झेलनी होगी गर्मी, मौसम विभाग के मुताबिक 26 से 30 जून के बीच दिल्ली में मॉनसून पकड़ सकता है रफ्तार। ऐसे ही तमाम दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।